बताइए। जबल मैं कल आया था यहाँ पे, जो हमारे पूजा जी चल रहे हैं उनका निरीक्षण करना आज का उद्देश्य था, और वैसे ही कुछ स्पॉट देखकर हम गरीबों के लिए, निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए मकान उपलब्ध करा सकते हैं, उस दृष्टि से कौन कौन से प्रोजेक्ट हो सकते हैं उसका भी निरीक्षण। सबसे पहले मैंने आईटी पार्क को देखा, मैं समझता हूँ कि आईटी पार्क में हम एजेंसी है हाउसिंग को, और जनवरी अंत तक उसको हम सरकार को हैंड ओवर कर देंगे। अलॉटमेंट उसमें क्योंकि अलग अलग उनके हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि आईटी पार्क आने के बाद में जबलपुर के उद्योगिक नया आयाम खुलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वैसे ही दूसरा, मैं आज महाराजपुर वाटनगर देखने के लिए गया, 50 मकान ये तैयार पहले हो चुके हैं, अलाटमेंट हो गया, 50 हमने नए मकान लिए जो लगभग 2 बेडरूम के हैं, किचन लेट्रिन बाथरूम सब लेकर 2 ऊपर लैंड है, 19.5 लाख रूपये की कीमत जो मकान उपलब्ध कराए। वैसे ही तीसरा जो धन्वंतरी नगर है उसमें 2.5 लाख स्क्वायर फुट का मकान है, वहां आगे कमर्शियल वो पीछे गैप शुरू थे और ये मल्टी बनाने का निर्णय किया। वैसे ही लगभग बहरी में हमको 5 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है सरकार, आज उसका लेआउट मैंने फाइनल किया, और बहरी के अंदर हम 150 मकान ये EWS इसकी कीमत 7 लाख से 2 लाख के बीच में पड़ेगी, और 150 मकान जो है वो LIG के ये बनाएंगे, और प्रयास रहेगा हमारा कि हम दिसंबर तक उसके काम प्रारंभ करने की स्थिति बना सकते। सर, जैसे कि भोपाल में बिल्डर्स जो हैं 7 लाख में 2 बेडरूम का मकान बना के दे रहे हैं, वो भी ज्यादा दूर नहीं, एयरपोर्ट से पहले, यहाँ पे भी 6.5 लाख रूपये में बना के दे रहे हैं। वैसी सरकारी योजनाएं होती है, 6-7 लाख रूपये में 2 बेडरूम का मकान कहीं उपलब्ध होगा। यहाँ कंचनपुर में व्यवहार एक नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारे उसमें कोई लाभ नहीं है, और इससे जो दे रहा है, कल भी मैं कटनी में गया था, जो हमने LIG के 100 मकान बनाए डुप्लेक्स है, 7.5 लाख रूपये में दिए, जमीन और बाकी चीजों के ऊपर थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, किंतु अगर पूरा डेवलप करके देना है तो 7 लाख रूपये में 2 बेडरूम का मकान आज के समय मेरे को संभव नहीं दिखाई देता। ये जो है हमारा इसमें से गरीब वर्ग से पैसा कमाना ये उद्देश्य नहीं है, ये एक्सपायर भी मेरे को पड़ता है। तो यहाँ पे कंचनपुर में बिल्डर बना के दे रहा है 6.5 में, तो वैसे ही सरकारी योजनाएं जो होती हैं शहर से बहुत दूर होती है, कोई पौश इलाके में तो देती नहीं कि आप सिविल लाइन से बना के दे रहा हूं, शहर से दूर होती है, फिर इनकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों? नहीं, अब बहरी तो आज शहर से जुड़ा हुआ है, सुभाष नगर शहर से जुड़ा हुआ है, जो मैंने धन्वंतरी बताया शहर के अंदर के, कोई आउटर एरिया नहीं। नहीं, बहरी तो इसी साल आया ना नगर निगम में, इसके पहले नगर निगम में आया होगा, मगर वहां पर कितना कंस्ट्रक्शन हुआ और आज में शहर से जुड़ा हुआ है इसका, तो उसकी कीमत 19 लाख। नहीं, अभी उसकी तो पेट्रो होने के बाद में कीमत का निर्धारण। अच्छा, आपको लगता है जो 20 लाख का मकान ले सकता है वो गरीब आएगा, गरीब होगा वो? नहीं, 20 लाख का ही नहीं कहा, मैंने कहा कि जो EWS है 7.5 लाख के आसपास है वो सब्सिडाइज के बाद। हाँ, ठीक है, इसमें जो यहाँ मैंने जो 19.5 लाख का बताया वो LIG है, जिसमें 2 बेडरूम है, ओपन स्पेस है, ग्राउंड फ्लोर है, और आप शायद जो बात कर रहे हो बिल्डर की, वो मल्टी लेवल मल्टी फ्लैट की बात कर रहा हूँ, फ्लैट की बात कर रहा हूँ, फ्लैट की बात और जमीन की ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं लगता कि जबलपुर इंदौर से ज्यादा महंगा पड़ रहा है प्रॉपर्टी के मामले में? इंदौर में भी यही है, भोपाल कहा ना कि इसमें 8 बार कीमत के ऊपर देते तो कैसा कमाना होते, और आप अगर एक मल्टी के फ्लैट से और ग्राउंड लेवल के मकान की तुलना करूंगा तो उसकी कोई समान कर। सर, जब इसका अलॉटमेंट होगा तो वो क्या प्रावधान आप रखेंगे कि पहले आओ पहले पाओ, या लॉटरी सिस्टम, या किस तरह से आपकी योजना? ऐसा है, जितने मकान बन रहे हैं उसके लिए विज्ञप्ति होगी, हम ऑनलाइन उसको डिक्लेयर करेंगे, और जितने मकान बन रहे हैं अगर उतने ही आवेदन आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं,
और अगर मान लो कि हमारे जैसे मैंने कहा कि 300 मकान बनने वाले हैं और आवेदन बुकिंग के 400 आए, 450 आए, तो उसमें लॉटरी सिस्टम हमेशा प्राय ये देखा जाता है, देखने में आता है कि रसूखदार लोग अपने पावर का उपयोग करके पहले से उनको अलर्ट हो जाता है और गरीब वंचित रह जाता है। रसूखदार नहीं और गरीब वर्ग नहीं, इसमें सीधा सीधा है। कल मैं दबो गया था, जैसे प्रोजेक्ट को हम प्रारंभ कर रहे हैं, 867 मकान बना रहे हैं, 1250 के करीब आवेदन आए थे। सारे लोगों को बुला के उनके सामने उसकी लॉटरी हुई और जो 867 लोगों के नाम लॉटरी के अंदर आए उन लोगों का उसमें बुकिंग हुआ। और इसलिए यहां पे भी अगर 300 मकान बना रहे हैं और बुकिंग 300 तक आई तो कोई प्रश्न नहीं, मगर अगर उसके ऊपर बुकिंग आई तो लॉटरी हुई उन्हीं लोगों की जिन लोगों ने अप्लाई किया। सर हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पर जमाने की बात हो गई, भविष्य में नहीं होगा जी। और इसलिए मैं आपको ये विश्वास के साथ में कह रहा हूँ ना कि जितने आवेदन आएंगे उसमें अगर जितने मकान भर रहे उतने ही आए तो ठीक है, इससे अधिक आए तो लॉटरी आएगी और आपको भी उसमें आमंत्रित कर दिया जाएगा कि आपके सामने लॉटरी हो जाएगी। ठीक और हो गया। अच्छा, थैंक यू।